आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए, मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर के धारहेड़ा चोंगे स्थित विराट अस्पताल अपने कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। सोमवार को भी विराट अस्पताल से मानवता को तार तार करने वाला एक समाचार बाहर आया। बताया गया है कि एक मरीज जब अपना 79,416 का बिल नहीं चुका पाया तो उसको 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। मरीज महेंद्र की पत्नी पिंकी लगातार अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। लाचार पिंकी के सामने गिड़गिड़ाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता था वह भी मरीज को अस्पताल में भर्ती कर चलते बने। इसके बाद लाचार पिंकी के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट कैलाश चंद्र सहारा बनते हुए दिखाई दिए। कैलाश चंद्र एडवोकेट पिंकी को साथ लेकर जिला सचिवालय पहुंचे और डीसी अशोक कुमार गर्ग से बंधन मुक्त कराने की गुहार लगाई। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी बिना देरी किए छुट्टी होने के बावजूद मामले की गंभीरता को समझते हुए अस्पताल संचालक को फटकार लगाते हुए तुरंत मरीज महेंद्र को बंधन से मुक्त कराने के आदेश दिए और वहीं सिविल सर्जन सहित एक कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए। मरीज को बंधक भी बनाया गया। मामला डीसी अशोक कुमार गर्ग तक भी पहुंचा और उन्होंने मानवता देखते हुए छुट्टी होने के बावजूद मरीज को बंधन से मुक्त कराने के आदेश भी दिए। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरे भगवान की संज्ञा दी जाती है, लेकिन जिस तरह से विराट अस्पताल में एक मरीज को बंधक बनाने का बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, मानवता पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर बड़े बड़े भवन बनाकर जिस तरह से मरीज व उनके परिजनों का शोषण किया जा रहा है, इनकी वानगी देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल है कि पूरे मामले की जाँच गंभीरता से होनी चाहिए। यदि अस्पताल प्रबंधन की कहीं इसमें गलती मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक संदेश जा सके कि मानवता को तार तार करने की बजाय गरीब व मजबूर लोगों की मजबूरी भी समझी जा सके। यहाँ पर आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में अस्पताल संचालक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मसले पर बात करने से मना कर दिया। भाजपा नेता का दामाद है अस्पताल संचालक। जी हाँ, जिस विराट अस्पताल में मानवता को तार तार करने का मामला सामने आया है, बेहद शर्मसार करने वाला है। बता दें कि अस्पताल संचालक हरियाणा सरकार के चेयरमैन भाजपा नेता का दामाद है। वहीं वे अपने आप को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार भी बताता है। तो जिस तरह से अस्पताल संचालक का राजनीति से संबंधित होना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती थी कि संवेदनशीलता दिखाई जाए, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं पर भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी कुप्रबंधन के चलते अस्पताल सुर्खियों में रहा था। यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए, ब्राड हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चुकवाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में। क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए, बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख, उसके बाद में इतने। ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखते हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से है। 14 तारीख से एडमिट हुए थे 14 तारीख? ठीक, तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ, वही। क्या कह रहे हैं वो? वो बोले पैसा देके जाओ, उसके बाद में लेके जाओ, बिना पैसे नहीं छोड़े। नहीं छोड़े। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा?
कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं, बोले हम नहीं जान सकते कुछ, मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आए हुए? अब हो गए 12:30, 11:30, 11:00, एक दो घंटे हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी। अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। ओके, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी के। वकील साहब, आज आप महिला के साथ आए, क्या पूरा मामला है? देखिए, प्रवासी मजदूर है और ये सुठाणा गांव में रहते हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में इसका पति जो है मजदूरी का काम करता था। 14 तारीख को इसका पति बीमार हो गया और कंपनी ने इसके पति को विराट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसके बाद में कंपनी ने इसको आश्वासन दिया कि जो भी बीमारी का खर्चा आएगा वो कंपनी वहन करेगी, और दो दिन बाद छोड़ के कंपनी चली गई। उसके बाद में 20 तारीख को इसका पति स्वस्थ भी हो गया, परंतु हॉस्पिटल इसके पति को रिलीव नहीं करके दे रहा। कौन सी कंपनी में थे और कब एडमिट कराया था? अब कंपनी सैमसंग पता नहीं फाइन कुछ इस तरह की नाम से है, जो डॉक्यूमेंट्स में देख के क्लियर बता पाऊँगा। और 80,000 का जो बिल है वो हॉस्पिटल ने बनाया है, तो ये कंपनी को चुकता करना चाहिए, जो भी है ये कहाँ से चुकता करें। आज आप डीसी साहब के पास आए, डीसी साहब ने क्या कुछ आश्वासन? डीसी साहब ने अभी आश्वासन दिया है, हॉस्पिटल से भी बात की है कि शाम तक शायद इसके पति को छोड़ दिया जाएगा, और जो भी बिल है डीसी साहब ने कहा है कि वो कंपनी के ऊपर डाल दिया जाए और उसकी बिल की कॉपी डीसी कार्यालय भेज दी जाए। शाम तक छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ते हैं आगे क्या कुछ कार्य? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें अमल में लाने की कोशिश करेंगे। जो भी अधिवक्ता मेरे साथ में हैं, सीमा एडवोकेट है, किरण एडवोकेट है, इनसे सलाह करके और जो भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे या और कोई भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा। सर, कुछ महिला जिनके परिजन आपसे मिले थे, अस्पताल का मामला था, विराट हॉस्पिटल में जो बंधक बनाने का मसला था, क्या मसला था सर, क्या समाधान हो पाया सर उसका? देखिए, महिला अभी जो मिली थी, इसके पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं ऑपरेटर के रूप में, और उनका यह कहना था कि पति की तबीयत ख़राब हो गई थी कंपनी में काम के दौरान ही, तो कंपनी के कर्मचारी उनको विराट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर उनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद परिवार को उन्होंने बताया, परिवार के लोग बाद में जाके मिले और उनका इलाज भी ठीक हो गया। 20 तारीख को परिजनों का कहना है कि वो ठीक ठाक हो गए, लेकिन जो ESI कार्ड था वो चल नहीं रहा किसी भी कारण से, और तो उस वजह से हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं हुई और कंपनी के लोग अब परिवार के लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने हॉस्पिटल से बात की है, उनको ये कहा है कि आप पेशेंट को जबरन तो बंधक बना के नहीं रख सकते, पेशेंट को आप रिलीज़ करें और यदि कंपनी की तरफ बकाया बनता है तो कंपनी से आप क्लेम करें, उसकी कॉपी मुझे भी कर दें, मैं भी उस पर कार्रवाई करूँगा कि ये तो ESI कार्ड अपडेट क्यों नहीं है, वो अपडेट होना चाहिए, क्यों वो रिजेक्ट हुआ, और दूसरा यदि रिजेक्ट हो गया तो इलाज कराने की जिम्मेदारी कंपनी की है। तो हॉस्पिटल ने एग्री कर लिया और वो अभी अगले आधे घंटे के अंदर मुझे लगता है पेशेंट अपने घर चला जाएगा। सर, एक बात देखिए कि मानवता के अकॉर्डिंग 6 दिन तक बंधक बना, सर 26 तारीख के 20 तारीख से लगातार पेशेंट उसके परिजन चक्कर काट रहे हैं, कितना सही है सर इस तरह मानवता के खिलाफ किसी निजी हॉस्पिटल द्वारा इस तरह से रखना? देखिए, एक तो क्योंकि पेशेंट को फौरी रिलीफ चाहिए, फौरी तौर पर उसको घर भिजवाया जाना था, वो मैंने हॉस्पिटल से बात करके उनको कह दिया है कि उनको आप तुरंत घर भेजें। दूसरा, उसका इलाज क्या 20 तारीख को पूरा हो गया था या उसको और ज़्यादा आगे रखने की ज़रूरत थी, इस विषय में मैंने इंक्वायरी मार्क किया सिविल सर्जन को, वो अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें।